तो आज है 5 तारीख, तो आज 4 नोटिस दिए हैं CCS यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे। तो कल एक नोटिस आया था जो काम का था आपके, तो उसमें बताया गया था कि मेरठ के 3 कॉलेज हैं जिनके सेंटर पुराने थे, वो हटा के नए सेंटर दिए गए हैं। मैंने उसकी वीडियो डाली थी, तो अगर आप मेरठ में किसी कॉलेज में सेंटर वगैरह था आपका तो उसे जाके वीडियो को देख ले, अगर नहीं था तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी 5 तारीख के 4 नोटिस आए हैं, जिसमें से एक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं सोच रहा था 1-2 दिन में आएंगे, लेकिन आज ही आ गया वो, और मेरे पे एक फॉर्म है भी उसका। तो मैं स्टार्टिंग से लेके जो सबसे पहले आया पहले मैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद देखो सिर्फ सबसे नीचे लिखा है 5 मार्च ऑल गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू सेलिब्रेट सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च 2020। तो ये तो हमारे मतलब का नहीं है, तो इसे तो पढ़ेंगे नहीं हम। तो आगे है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी कैंपस अवॉइड अप्लाइंग कलर्स गुलाल ड्यू टू कोरोना वायरस ऑन होली। तो ये मतलब काम की चीज़ है कि अगर आप होली वगैरह खेलते हो तो आपको पता है कलर वगैरह जो ज़्यादातर आते हैं वो चाइना से आते हैं, और चाइना से क्या क्या आ रहा है इस टाइम पे, वहाँ से अगर इंसान तक आ रहा है तो वहाँ पे स्कैन हो रहा है उससे उसका। तो अगर आप कलर वगैरह खेलते हो तो मान लो कि आपको ये नहीं पता जिसके आप कलर लगाओ कहाँ से आया है, तो क्या पता वायरस वगैरह हो उसके साथ। तो मतलब अवॉइड करें इस होली पे अपना को आप कलर वगैरह करना फेंकना या फिर पानी का यूज़ वगैरह करना ज़्यादा बर्बाद करना। तो सिंपल सी होली खेले अपने घर वालों के साथ ही, अपने घर पे ही रह के। तो इस बार आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे भी होता है हमारे यहाँ पे कि निकल गए बाहर और भैया घूम रहे हैं सारे के सारे गांव भर में घूम के आ रहे हैं, तो आप अगर एक जने को वायरस हो गया तो कम से कम 100 जनों को हो जाएगा उस लड़के से, और 100 में से फिर कितनों को होगा, अगर ये बहुत जल्दी बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये CCS यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाल दिया है, एक बार इसे हम अंदर से खोल के देख रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपके सामने से पढ़ के बताऊँगा। तो मैंने पहला ही नोटिस पढ़ा था जिसमें वीमेंस डे का कुछ बता रखा था, तो चलो इसे हम पढ़ के बता रहे हैं क्या मैटर है इस पर। तो इसमें लिखा है जैसा कि आप विदित है कि होली का त्यौहार रंग गुलाल के द्वारा मनाया जाता है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्रा आपस में होली मिलन पर उससे पूर्व एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशी की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्रा के अभिभावकों द्वारा संदेश प्राप्त कि कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं आपस में गुलाल तथा रंग न लगाएं। छात्र छात्राओं के अभिभावकों की भावनाओं एवं कोरोना वायरस की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने विभाग संस्थानों में अध्ययन छात्र छात्राओं को रंग गुलाल लगाने पर रोक लगे जिससे कोरोना वायरस से बचा जाए। तो भाई ये सिचुएशन ऐसी चल रही है क्योंकि बुलंदशहर का ही वो बिजनेसमैन था जो बाहर इटली से आया था, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो थोड़ा सा सचेत रहें, और ये वायरस ऐसा है अगर कोई बात कर रहा है तो 1 मीटर तक इसकी रेंज होती है कि अगर 1 मीटर से पास है और उसे वायरस है तो आप में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा दूर है तो उसका वायरस जो है जो मुंह से छींट वगैरह गिरेंगी वो तो 1 मीटर तक जाके वो नीचे गिर जाएगा, तो फिर अपना फिर तो ख़राब ही है वो, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो थोड़ा दूरी बनाए रखें, मास्क वगैरह रखें, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हों और अजनबियों से हाथ वगैरह मिलाना बंद करें, तो अगर फिर भी हाथ वगैरह टच होते हैं जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, ट्रेन में मतलब कुछ पकड़ के चढ़े हो, तो उसके बाद आप अपनी आँखों को नाक को और मुंह को टच ना करें। मैंने रात की वेबसाइट WHO वाली वेबसाइट पर दिखाया था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखा था। तो ये सेकंड लास्ट है नोटिस जिसका मुझे इंतजार था, ये वो नोटिस है। तो इसमें बता रखा है एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय परिसर में सब वित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित BPED 2 वर्षीय वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत BPED प्रथम वर्ष 2019-20। तो इसमें पूरी की पूरी में यही लिख रखा है कि ये जो है इसकी परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 11 मार्च कर दी गई है बढ़ा के, ठीक है। और भरे गए परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि है 12 मार्च, और महाविद्यालय संस्थान द्वारा परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 13 मार्च, ठीक है ना। तो आप 12 मार्च तक इसे जमा कर दे और कॉलेज वगैरह से यूनिवर्सिटी चला जाएगा, 13 मार्च तक सब डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 11 तक इसे सब चीज़ फाइनल कर दें आप, ठीक है। और 11 तक फाइनल करके आप 12 तक कॉलेज में किसी भी हालत में ये जमा कर दे, और ये मुझे लग रहा है लास्ट टाइम ये बढ़ी है डेट, फिर इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। अब एक सिंगल लास्ट नोटिस हमारा बच गया है CCS यूनिवर्सिटी का, चलो वो भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर नोडल सेंटर एंड द इंस्टीट्यूट अटैच विद दैम फॉर BPES MPS मेन एग्ज़ाम।
तो लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर या फिर नोडल सेंटर, तो देखते हैं इसमें भी क्या है। तो Y45 जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने अब तक जितनी भी न्यूज़ आपको बताई वो सबसे पहले बताई है। हो सकता है ये वीडियो कोई भी अगर अलग से आप कहीं पे देखो तो कल बताए कोई, ठीक है, तो क्योंकि कल वाली जो वीडियो मैंने रात ही बता दी थी आपको 10 बजे के आसपास आई थी, वो मैंने रात 11 बजे बना के डाल दी थी, तो वो आज मैं अभी देख रहा हूँ सबने, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अब डाली है सबने। तो भाई नोडल्स ने लिस्ट डाली है, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर नोडल सेंटर एंड द इंस्टीट्यूट अटैच्ड विद देम फॉर BPES MPS ओनली फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन 19-20 टू बी हेल्ड फ्रॉम 16 मार्च 2020। तो नोडल सेंटर दिए हैं, ठीक है, जो मतलब 4 सेंटर होते हैं या 5 सेंटर होते हैं, 6 सेंटर होते हैं, उनसे एक कॉलेज जिससे वो अटैच होते हैं। तो वही है जैसे CCS में हमारी BA वगैरह की लिस्ट आई थी, बाकी चेक कर लेना आप, इसका ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है आपके उसमें, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस ऐसे होते हैं सेंटर वगैरह के कि इन्हीं में जाने के चांस होते हैं, बाकी फाइनल आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड पे, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है BPES और MPS के लिए है फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 16 मार्च से होने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी अपडेट चाहिए आपको, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा उसका। और सबसे पहले देखने के लिए आप आते रहें चैनल पर, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, ओके।